प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा ने रविवार को ओडिशा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि मनोज को प्रदीप कुमार जेना के स्थान पर मुख्य सचिव का पद दिया गया है, जो कि सेवानिवृत्त हो गए। बता दें कि जेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं 1990 बैच के अपने अच्छे मित्र से एक मनोज आहूजा का मेरे उत्तराधिकारी उप जिलाधिकारी धर्मगढ़ के तौर पर स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे स्थान पर मुख्य सचिव का पद संभाला। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद आहूजा ने पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति के समक्ष पूजा अर्चना की। वहीं जानकारी के अनुसार आहूजा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दी।